हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन हमारा बीआरएस, बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट। मैंने क्वेश्चन दिया टीएस लेवल 24-25 एडिशन से। आपको क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 13.55 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19 फॉर बीआरएस। देखो क्या बोला है, प्रिपेयर बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑन 31 मार्च 2024 अ मर्चेंट्स कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैंक बैलेंस ऑफ 10,500। देखो क्रेडिट बैंक बैलेंस मतलब ये है ओडी एज पर कैश बुक, ओडी एज पर कैश बुक, ठीक है। बट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस द पासबुक शोड द डिफरेंस। देखो सबसे पहले क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 10,500, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, इसे माइनस कॉलम का बेसिक मीनिंग क्या है, माइनस कॉलम का बेसिक मीनिंग है ये हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है, दिस इज अनफेवरेबल, इसलिए हम इसको माइनस मान रहे हैं। माइनस मैथमेटिकली नहीं है बट इसको हम अनफेवरेबल मान रहे हैं, दिस इज अनफेवरेबल। नाउ अ चेक ऑफ 540 इशूड टू मोहन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो जब हमने मोहन को चेक इशू किया था तब हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया था। बैंक को क्रेडिट करने से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ चुका था। अब ये चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम कैशबुक का वापस कम कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹100 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वाज इट पॉसिबल टू प्रेजेंट इट। हमने एक चेक डेबिट किया था, मतलब हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था हमारी कैशबुक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जो भी पार्टी का चेक आया था हमने डेबिट तो कर दिया, बट अब वो चेक प्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग। पोस्ट डेटेड चेक है, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में प्रेजेंट नहीं हो सकता। हमने बैंक को डेबिट कर दिया तो हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया। हमें क्या करना है, हमें वापस से हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब उसको माइनस कॉलम में लिख दे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट अगर यहाँ है तो उसे बढ़ाना तो इसी कॉलम में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। नाउ फोर चेक्स ऑफ ₹1200 सेंड टू द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। हमने चेक डिपॉजिट किए, सेम एंट्री करी थी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो ये चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, इनका अमाउंट अभी तक हमारे अकाउंट में आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब हमने इनको डेबिट किया था, बैंक अकाउंट डेबिट किया था, तो हमारा कैशबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया था। अब हम वापस से ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे 1200 से, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस वापस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। हमने चेक डिपॉजिट किया था पर चेक क्या होगा, डिस, तो चेक डिसऑनर हो गया एक्चुअल में, ठीक है। जब डिपॉजिट किया था तब हमने सेम एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, अब ये चेक डिसऑनर हो गया, इसका पैसा पासबुक में नहीं आया, ठीक है, अमाउंट कुछ भी नहीं आया पासबुक में, तो पासबुक तो सेम है। और ये जब हमने चेक डिपॉजिट किया था, बैंक को डेबिट किया था, तो हमारा ओडी बढ़ गया था, अब सॉरी ओडी हमारा कम हो गया था पैसा आने की वजह से, तो वापस हम ओडी को बढ़ा देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एज पर इंस्ट्रक्शंस द बैंक पेड ₹50 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैशबुक। देखो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि जब भी हमारा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आए आप पे कर देना, तो बैंक ने क्या किया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। जब बैंक ने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो पासबुक का ओडी बैलेंस बढ़ गया, हमारा कैशबुक का ओडी बैलेंस नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमने जर्नल एंट्री नहीं करी, तो अब हम कैशबुक के ओडी बैलेंस को बढ़ा देंगे। देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹15 इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस, जब बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस लिए तो पासबुक का ओडी बैलेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे कैशबुक का ओडी बैलेंस अब बढ़ा दो क्योंकि पहले नहीं बढ़ पाया, ठीक है। देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ ₹25 ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द करंट अकाउंट बट नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द कैशबुक, तो कैशबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक क्रेडिट मिला 25 का क्रेडिट मिला हमें, इंटरेस्ट मिला, तो हम कैशबुक के ओडी बैलेंस को कम कर देंगे ₹25 से, ठीक है गाइस, ये हो गया। नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ 5000 डेटेड 15th अप्रैल 2024 इशू टू एम एन कंपनी वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब है चेक हमने दिया बट चेक तो डिसऑनर हो गया, तो वो वैसे ही पोस्ट डेटेड चेक था, डिसऑनर हो गया, तो पासबुक में कुछ नहीं हुआ। इट वॉज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट, अभी हमने कैशबुक में भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया, हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया और चेक डिसऑनर भी हो गया बट हमने कैशबुक में भी कुछ नहीं किया, तो ना तो ये एंट्री कैशबुक में आई है और ना ही एंट्री पासबुक में आई है, इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों ही बुक्स इस वजह से मैच कर रही है, ना तो एंट्री वहां आई ना एंट्री कैशबुक में आई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका कोई ट्रांजेक्शन का इसका एंट्री नहीं होगा, इट विल बी सेम। देखो अब हमारे पास जो टोटल है वो हमें क्रेडिट साइड की ज्यादा दिख रही है, माइनस कॉलम की अनफेवरेबल कॉलम की 10,500 प्लस 100 प्लस 1600 प्लस 50 प्लस 15, सो वी आर गेटिंग द टोटल ऑफ 12265 12265 एंड 12265। अब माइनस कर देते माइनस 25 एंड माइनस 540 माइनस किया तो हमारा बैलेंस आ गया है 11700। बैलेंस को हम यहीं पे लिखेंगे, हमारी माइनस कॉलम ज्यादा है बट इन दोनों कॉलम्स को मैच करने के लिए बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे, तो दोनों कॉलम मैच हो जाएंगे, बट माइनस कॉलम ज्यादा मतलब ओवरड्राफ्ट ज्यादा, इसका मतलब पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट है और पासबुक का ओवरड्राफ्ट भी ज्यादा है,
तो दिस बैलेंस विल बी ओडी एज पर पासबुक, यहाँ पे लिख देंगे हम ओडी एज पर पासबुक। तो गाइज यहाँ तक ही हमारा पार्ट सॉल्व हो गया इस तरह से। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।